प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार, मैं कौमुदी शुक्ला UPRTOU से। मैं आपके समक्ष अपने पांचवें लेक्चर में, जो आपका ब्लॉक वन का चल रहा है फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, उसकी यूनिट टू के एक सब टॉपिक प्रैग्मेटिज्म को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले हमने धाराओं के बारे में पढ़ा, जैसे कि आइडियलिज्म था, नेचुरलिज्म था, रियलिज्म था। तो अब उसी कड़ी में हम प्रैग्मेटिज्म, जिसको प्रयोजनवाद भी कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा हमने पुरानी विचारधाराओं में पढ़ा था कि आइडियलिज्म हमने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा इटर्नल वैल्यूज़ और एथिक्स, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन सब चीज़ों की बात करता है। और जो आपका दूसरी विचारधारा नेचुरलिज्म जैसे हमने पढ़ी, तो उसमें बायोलॉजिकल नीड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, और उसने एक्सट्रीम फ्रीडम, जैसे आइडियलिज्म था उसने बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करके रखा था, नेचुरलिज्म ने उसी जगह पर बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम दे दी। तो इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक बैलेंस की कमी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाना भी बच्चे के लिए सही नहीं है, और बहुत ज़्यादा कंप्लीट फ्रीडम भी देना वो भी सही नहीं है। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने का काम आपका प्रयोजनवाद करता है, जिसमें जो है यूटिलिटी की बात की जाती है, एक्शंस की बात की जाती है। ये कहता है कि जब आप एक्शन करेंगे तो उसके थ्रू ही नॉलेज या थॉट्स की डिस्कवरी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म इज़ मेनली एन अमेरिकन कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो 1870s के अराउंड बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंस में आई। और प्रैग्मेटिज्म जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड प्रैग्मा या फिर प्रैग्मेटिको से लिया गया है। प्रैग्मेटिको का मतलब है एक्शंस, और यहाँ पर प्रैग्मा का मीनिंग दे रखा है टू डू, टू मेक एंड टू अकम्प्लिश। यानी कहीं ना कहीं आप देखते हो तो ये एक्शंस की बात करता है, यानी आप जो भी करेंगे उसके थ्रू ही आप ज्ञान का विकास करेंगे। इट इज़ अ टिपिकल अमेरिकन फिलॉसफी, प्रैक्टिकल इन अप्रोच। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करता है, यूटिलिटी की बात करता है, इंस्ट्रूमेंटलिज्म की बात करता है। इस फिलॉसफी को हम फिलॉसफी ऑफ कॉन्सिक्वेंशियलिज्म भी कहते हैं, फिलॉसफी ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी कहते हैं, यूटिलिटेरियन फिलॉसफी भी कहते हैं, प्रैक्टिकल फिलॉसफी भी कहते हैं। फिर यहाँ पर देखिए दे भी रखा है। अब जैसे कि हम किसी भी फिलॉसफी की जब हमने बात की है, तो जो भी हम बात करते हैं तीन जो है उसके सब ब्रांचेस की, तो जो सबसे पहली ब्रांच है मेटाफिजिक्स, यानी जो इसकी तत्व मीमांसा है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो रियलिटी है, ठीक है, वो कोई एब्सोल्यूट नहीं है, वो हमेशा चेंज हो रही है, वो हमेशा वो कोई फिक्स नहीं है, वो हमेशा चेंजेबल है, और अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्पेस वो चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि कोई भी एक अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, रियलिटी एक नहीं है बल्कि बहुत सारी हैं, क्योंकि जैसे जैसे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जैसे जैसे परिस्थितियाँ आती हैं, उसके हिसाब से चीज़ें परिवर्तित होती हैं। आप देख भी रहे होंगे कि जैसे इन विचारधाराओं की ही बात कर ली जाएगा, तो आइडियलिज्म आया, आइडियलिज्म बहुत ही ज़्यादा फ्लरिशमेंट में था, लेकिन फिर भी उसके भी खंडन में कुछ लोग आए, उसके भी कोई आए जो जिन्होंने उसको जो है ऑप्रेस करने की कोशिश, जिन्होंने चाहा कि ये फिलॉसफी जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रही है, और वो चीज़ जिसकी ये बात कर रही है, जैसे स्पिरिचुअलिटी या गॉड की जो बात कर रही है, वो तो कहीं एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में फिर आपका नेचुरलिज्म आया। तो हर एक फिलॉसफी जब भी आती है तो वो अपने साथ में कई सारी बुराइयों को भी लेकर के आती है, कहीं ना कहीं उसकी कुछ लिमिट्स भी होती हैं। उन लिमिट्स की जो खंडित करते हुए इस फिलॉसफी ने भी अपना प्रचार प्रसार किया। तो यहाँ पर जो आप जैसे आप इसका अगर देखेंगे कि इसकी मेटाफिजिक्स क्या है, तो इसकी मेटाफिजिक्स चेंज है। फिर यहाँ पर जो दूसरी इसकी ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी, यानी जो ज्ञान मीमांसा है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कहता है कि द अल्टीमेट नॉलेज इज द नॉलेज दैट वर्क्स, ठीक है, यानी यूटिलिटी की बात करता है कि जो हमारी काम की चीज़ है हमें उसका ज्ञान होना की आवश्यकता है, ठीक है, वो नॉलेज सही है जो हमारे लिए कारगर हो, जो हमें रोजगार दे, तो इस टाइप की ये बात करता था। फिर
और इसने यही कहा कि कोई भी अल्टीमेट जो है वैल्यूज या कोई स्पिरिचुअल वैल्यूज नहीं है, वैल्यूज हमेशा चेंजेबल है. नेक्स्ट जो ब्रांच है इसकी एक्सियोलॉजी, यानी जो इसकी मूल मीमांसा है, उसमें कहा गया है कि वैल्यूज कोई भी प्री डिटरमाइंड नहीं है. ठीक है, वो हमेशा वैल्यूज चेंज होती हैं. जैसे मैंने आपको बताया भी कि जो है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्पेस जो है जो भी चीज़ें मिलती हैं, हालांकि ये सोशल नीड की बात करता था जो है. जैसे आपने देखा होगा कि नेचुरलिज्म जो आपका आइडियलिज्म था वो जो है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल नीड्स की बात करता था. ठीक है, और फिर आपका जो नेचुरलिज्म आया तो उसने बायोलॉजिकल नीड के ऊपर फोकस किया. फिर ये जब आया तो इसने जो है सोसाइटल नीड के ऊपर फोकस किया. तो यहाँ पर कहा गया है कि वैल्यूज आर नॉट रियल एग्जिस्टेंट. ठीक है, वैल्यूज कोई भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है उनका, ये सिर्फ मैन क्रिएट्स वैल्यूज बाय मॉडिफाइंग द एनवायरनमेंट. ठीक है, जो मैन है वो ही क्रिएट करता है वैल्यूज को अपनी एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके. वैल्यूज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन टाइम स्पेस. ठीक है, जैसा मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि जैसे जैसे समय और स्पेस दोनों के परिवर्तन से वैल्यूज जो है बनती रहती है. फिर यहाँ पर जो है जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं उनके आपको नाम दिखाई पड़ रहे होंगे. तो यहाँ पर एक सबसे पहले अगर इस शब्द की उत्पत्ति की बात करें, यानी ये प्रैग्मेटिज्म जो वर्ड है वो सबसे पहले जो आपके चार्ल्स सैंडर्स पियर्स थे उनके उनका एक आर्टिकल था जिसका नाम था हाउ टू मेक अवर आइडियाज क्लियर. इस आर्टिकल में सबसे पहले इस शब्द को देखा गया. इस वजह से कहीं ना कहीं इस प्रैग्मेटिज्म के इंट्रोडक्शन का श्रेय उन्हीं को जाता है. हालांकि बाद में डिवी जी ने और किलपैट्रिक ने, मीड ने, और यहाँ पर और भी नाम आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, विलियम जेम्स, हेराक्लिटस. हेराक्लिटस के बारे में भी कहा जाता है कि उसने भी कहा कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो जो है चेंज है. उसका एक फेमस कोट भी है कि यू कैन नेवर बाथ इन द सेम रिवर ट्वाइस. ठीक है, जब आप कभी भी एक जो बहती हुई नदी है उसमें जब आप जाते हैं तो ना ही वो क्योंकि वो बहता हुआ पानी है तो वो ना ही पानी सेम है और ना ही वो इंसान जब वहाँ से निकल करके आया तो ना वो आदमी सेम है. ठीक है, तो ये हेराक्लिटस का बहुत बड़ा एक बहुत फेमस कोट है, तो वो भी एक प्रैग्मेटिस्ट. नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म. ठीक है, तो जो प्रिंसिपल्स को ये जो है अपनी फिलॉसफी में लेकर के आता है वो है कि ये चेंज की बात करता है. ठीक है, इसका जो जो बिलीफ है वो चेंज में है. फिर उसके बाद में ये एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी है. ठीक है, फिर एक्सपीरियंस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द ऑफ दिस फिलॉसफी. यानी ये कहता है कि एक्सपीरियंस ही जो है वही एक मेन फोकस है इस फिलॉसफी का. फिर ये कहता है कि जैसा मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया कि एक्शंस जो है उसको ये इम्पोर्टेंस देता है कि जैसे जैसे आप एक्शंस करेंगे, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, वैसे वैसे ही आपके ज्ञान कोश की वृद्धि होगी. फिर नेक्स्ट है देयर आर नो एब्सोल्यूट वैल्यूज इन लाइफ. यानी कोई भी ये वैल्यूज जो हैं वो प्री डिटरमाइंड नहीं है, कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं है, वैल्यूज हमेशा चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्पेस. नेक्स्ट है एक्शन इज रियल एंड आइडियाज आर टूल्स. ठीक है, एक्शन जो है वही रियल है. ठीक है, और आइडियाज जो आइडियाज हैं वो टूल्स हैं, यानी वेपन्स हैं जिनके थ्रू हम एक्शंस करते हैं. ठीक, फिर नेक्स्ट है मैन इज एन एक्टिव बींग. और मैन को इसने कहा है कि वही एक सुप्रीम बींग है. ठीक है, जो एक्शन करता है. मैन हैज द एबिलिटी टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स. ठीक है, यानी इसने कहा कि मैन सुप्रीम है क्योंकि वो ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है. यूटिलिटेरियन जो एस्पेक्ट है उसको इसने सुप्रीम माना है. और इसने पास्ट को बिल्कुल निग्लेक्ट किया है. इसने कहा पास्ट का कोई रोल ही नहीं है. ठीक है, बल्कि हमें विश्वास किस में, प्रेजेंट और फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, ये इसकी बात करता है. हालांकि ये बाद में इसकी डिलिमिट भी हो गई, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बातें करते हैं. यहाँ पर एजुकेशन में ये
क्या भूमिका निभाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसने कहा है कि एजुकेशन इज बेस्ड ऑन फिलॉसफी एंड साइंस, ठीक है, एजुकेशन जो है वो फिलॉसफी और साइंस बेस्ड होनी चाहिए। फिर इसने कहा इट एम्फसाइजेस एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिसेस, यानी ये कहता है कि एक्सपेरिमेंट्स को और प्रैक्टिसेस को हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमेशा चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच को जाहिर सी बात ये फॉलो करता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन पे ये बिलीव करता है। चाइल्ड इज द फोकल पॉइंट ऑफ ऑल एजुकेशनल एक्टिविटीज। इट ऑल्सो अपोजेस बुक लर्निंग, यानी बुक लर्निंग का खंडन जो आपने आइडियलिज्म में देखा था कि बुक रोट लर्निंग को बहुत ज़्यादा वो फेवर कर रहा था, लेकिन ये दोनों ही विचारधाराएं, चाहे वो नेचुरलिज्म हो और चाहे ये आपकी जो है प्रैग्मेटिज्म है, ये दोनों ही उसका खंडन करती है। बल्कि ये एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग की बात करता है या लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है। फिर यहाँ पर कहा गया है कि सोशियबिलिटी को एम्फसाइज किया गया है, ठीक है, यानी सोशल यूटिलिटी और सोशियबिलिटी की बात ये करता है, सोशल एफिशिएंसी की बात ये करता है। फिर इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डायनेमिक एंड चेंजेबल आइडियोलॉजी। आपने देखा था कि नेचुरलिज्म भी एक प्रोग्रेसिव और डायनेमिक आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, लेकिन ये प्रोग्रेसिव डायनेमिक और चेंजेबल आइडियोलॉजी को फॉलो करता। फिर यहाँ पर एम्स ऑफ एजुकेशन दिए गए हैं, हालांकि ये बोलता है कि एजुकेशन के कोई एम्स नहीं होते, मैन हैज एम्स। डीवी जी का ये बहुत बड़ा कोट है कि एजुकेशन का कोई एम नहीं होता, बल्कि मैन के एम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एम्स जो एजुकेशन के हैं वो कोई भी प्री डिटरमाइंड नहीं है, ठीक है। एजुकेशनल एम्स चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। जो भी एजुकेशनल एम्स हैं वो हमेशा टाइम सर्कमस्टांसेस और स्पेस के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होते रहते हैं। फिर क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज, यानी न्यू वैल्यूज की क्रिएशन की ये बात करता रहता है, क्योंकि आप देखते हो कि हर सोसाइटी, जैसे आपने फ्लिन इफेक्ट का नाम सुना होगा, तो हर 10 साल के बाद जो है एक फ्लिन इफेक्ट क्रिएट होता है, यानी वो एक मॉडर्नाइज्ड जो आपकी जनरेशंस हैं, वो जैसे जो भी 10 साल बाद जो जनरेशन जो होगी वो आपसे थोड़ा ज़्यादा ही सुप्रीम ब्रेन लेकर के आती है। तो यहाँ पर ये कहा गया, तो उस हिसाब से वहाँ की वैल्यू सिस्टम, वहाँ का जो जो भी ऑपरेशन है वो अलग होता है, और जो 10 साल पहले की जो चीज़ें थी हम उसको अप्लाई करके 10 साल बाद को हम जो है विध्वंस नहीं कर सकते। तो ये इसकी बात करता है। फिर एम्स ऑफ एजुकेशन आर नॉट फाइनल एंड फिक्स्ड, ठीक है, तो वो फाइनल और फिक्स नहीं है। सोशल एडजस्टमेंट एंड हारमोनियस डेवलपमेंट की बात करता है, यानी ये सोसाइटल नीड्स की बात बहुत ज़्यादा करता है। ये कहता है कि सोशल एडजस्टमेंट होना चाहिए और एक हारमोनियस डेवलपमेंट की बात करता है। फिर यहाँ पर करिकुलम, तो जैसा हमने बात की कि जो करिकुलम है वो यूटिलिटी प्रिंसिपल को फोकस करता है, यानी जो भी यूटिलिटेरियन सब्जेक्ट्स हैं उनकी डिमांड ये करता है। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, हाइजीन है, साइंस है, इन सबको ये प्रमोट करता है। फिर यहाँ पर कहा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड करिकुलम, यानी करिकुलम शुड कंसिडर द स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है उसको भी ये फोकस करता है, यानी ये जानता है कि चाइल्ड की एक माइलस्टोन में डेवलपमेंट होती है, तो उन चीज़ों को रिकग्निशन में रख करके फिर हमें करिकुलम का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि हर स्टेज की एक अलग जो है नीड है, तो उन नीड्स को फोकस करते हुए, उन स्टेजेस को फोकस करते हुए हमें करिकुलम बनाना चाहिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंसेस बेस्ड इन ऑक्यूपेशन, यानी ये कहता है कि बुक लर्निंग को पहले तो इसने अपोज किया, और इसने कहा कि सब्जेक्ट द करिकुलम इंक्लूड्स पर्पस प्रोसीजर एंड सोशलाइज्ड एक्टिविटी, यानी जो भी सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाए उसमें कुछ ना कुछ पर्पस हो, ठीक है, कुछ ना कुछ सोशलाइज्ड एक्टिविटी हो, तभी उन्हीं सब्जेक्ट्स को हमें एनकाउंटर करना चाहिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में ये बात करता है, तो इसने कहा है कि जो भी रियल लाइफ सिचुएशंस हैं
उनके उसमें जिन सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ती है उन्हें हमें पढ़ना चाहिए, उनको टैकल करने के लिए, यानी रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उनको हम कैसे टैकल करेंगे उन सब्जेक्ट्स के थ्रू हमें वो भी पता चलना चाहिए जो हमें सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्थ की ये बात करता है, तो सोशल वर्थ में यानी सोशली यूजफुल एक्टिविटीज़ जो हैं उनके बारे में बात करता है कि वो उन एक्टिविटीज़ की कुछ सोशल रिलेवेंस भी हो, ठीक है, तो उसकी बात करता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिज्म की बात करता है, डायनेमिज्म यानी चेंज, यानी इट डज नॉट बिलीव इन द रिजिडिटी ऑफ द करिकुलम, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल एंड द सोसाइटी, ठीक है। इसने कहा कि कोई भी रिजिड करिकुलम हमें फॉलो नहीं करना चाहिए कि बस यही है, जो भी है सब यही है, हमें हमेशा जो है जो भी पीपल की नीड है या जो भी सोसाइटी की नीड है उसके हिसाब से हमें चेंजेस करते रहना चाहिए अपने करिकुलम में। फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल इंटरेस्ट की बात करता है, तो इसमें कहता है कि इंटरेस्ट इन कॉन्वर्सेशन, इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिगेशन, इंटरेस्ट इन जो आपका कंस्ट्रक्शन एंड इंटरेस्ट इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इन सारे इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमें करिकुलम का निर्माण करना चाहिए। फिर हम जब मेथड ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो मेथड ऑफ टीचिंग में लर्निंग बाय डूइंग को ये फोकस करता है, यानी जो भी चीज़ें आपको लर्निंग करनी है अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका, उसको करेंगे तो करके ही आप सीख सकते हैं। जॉन डेवी जी का एक कोट भी है कि द चाइल्ड लर्न्स बाय डूइंग, तो यहाँ पर ऑल लर्निंग मस्ट कम एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्शन एंड नेवर एज समथिंग लर्न डायरेक्टली फॉर इट्स ओन सेक, ठीक है। इन्होंने कहा कि जितनी भी लर्निंग है वो बाय प्रोडक्ट है आपके एक्शंस का, ठीक है, जब आप एक्शंस करते हैं उसी के थ्रू जो है आपको लर्निंग होती है, क्योंकि जब आप एक्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ या तो बुरा होता है या अच्छा, और वो कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस या आपके नॉलेज को ही बढ़ाता है, तो ये उसकी बात करता है। फिर है प्रैग्मेटिक टीचर्स सजेस्ट अ फ्यू प्रॉब्लम्स, इंडिकेट द लाइन ऑफ एक्टिविटी एंड लव द चाइल्ड टू एक्सपेरिमेंट फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। तो वो प्रैग्मेटिक टीचर जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए बच्चे को प्रोवोक करते हैं, ये बता रहा है। फिर उसके बाद में जो उसके दो मेथड हैं, तो लर्निंग बाय डूइंग और दूसरा इसका प्रोजेक्ट मेथड जिसके प्रोपाउंडर आपके जो है जॉन डेवी जी हैं, तो ये प्रैग्मेटिक फिलॉसफी का ही एक डायरेक्ट आउटकम है। आपका जो प्रोजेक्ट मेथड यूज़ किया जाता है आज की टीचिंग लर्निंग स्टाइल में, यहाँ पर डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए ये इसकी बात करता है, तो डिसिप्लिन में ये सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता है, ठीक है, डिसिप्लिन विद फ्रीडम की बात करता है। जैसे आपने देखा कि जो आइडियलिज्म था वो जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, ठीक है, वो बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देना चाहता था, और जो आपका नेचुरलिज्म था वो कंप्लीट फ्रीडम की बात करता है। ये मिड वे अपनाता है, प्रैग्मेटिज्म जो है एक मिड वे लेकर के आता है और ये बात करता है फ्रीडम विद डिसिप्लिन की बात करता है। तो यहाँ पर मोरल्स ग्रो फ्रॉम डेमोक्रेटिक लिविंग, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक जो आपका अभी देखेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो आपका डेमोक्रेटिक आउटलुक है वो भी आपकी इसी फिलॉसफी का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है एजुकेशन में। तो ये कहता है कि जो आपका डेमोक्रेटिक लिविंग है उसी के थ्रू ही हमारे मोरल्स एथिक्स बनते हैं, तो ये इसकी बात करता है। फिर कहता है सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। फिर ये कहता है स्टूडेंट डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, उनके ये बोलता है कि जो स्टूडेंट हैं उनको ही खुद पर एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, ये इसकी बात करता है। और ये जो है सोशल एफिशिएंसी की बात करता है, यानी सोसाइटल नीड्स के अकॉर्डिंग ही डिसिप्लिन को मेंटेन करने की बात ये करता है। फिर प्रैग्मेटिज्म एंड द टीचर, यहाँ पर कहा गया है कि टीचर कैसा होना चाहिए, तो टीचर एज अ फैसिलिटेटर यहाँ पर भी होगा, ठीक है, जो बच्चे को भी जाने और सोसाइटी को भी जानता रहे, ठीक है, और उसी के हिसाब से जो है बच्चे को एक्सपेरिमेंट करने का, बच्चे को एक्टिविटीज करने का मौका दे। टीचर एज अ हेल्पर एंड अ गाइड, यानी टीचर एक हेल्पर भी होना चाहिए और एक गाइड भी होना चाहिए। और फिर द टीचर अज्यूम्स द रोल ऑफ एन अरेंजर ऑफ एक्सपीरियंस और ही इज अ फैसिलिटेटर और स्टेट सेटर एंड द टीचर क्रिएट्स अ सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, यानी टीचर को ही एक एनवायरनमेंट तैयार करना है जिसमें बच्चे की एक अच्छी लर्निंग हो सके। फिर
अकॉर्डिंग टू टिवी द टीचर इज अ गाइड एंड डायरेक्टर ही स्टीयर्स द बोट बट द एनर्जी दैट प्रॉपल्स इट मस्ट कम फ्रॉम दोज हु आर लर्निंग. ठीक है, डिवी जी ने ये कहा भी है कि जो टीचर है वो गाइड या फिर डायरेक्टर है जो बोट को स्टीयर अप करे, जो बोट की स्टीयरिंग पकड़ करके बैठा हुआ है, और लेकिन जो एनर्जी आनी है, ठीक है, वो आनी चाहिए जो लर्न कर रहा है उसके द्वारा. तो ये उनका कोट भी है. फिर यहाँ पर स्टूडेंट की बात कही गई है कि इसमें स्टूडेंट कैसा होना चाहिए. तो चिल्ड्रन आर क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव बाय नेचर. ठीक है, यानी चिल्ड्रन को क्रिएटिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए. फिर चाइल्ड नीड्स टू बी फैमिलराइज्ड विद द लाइफ कस्टम्स ट्रेडिशंस नॉर्म्स वैल्यूज एंड बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी. यानी चाइल्ड को हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि क्या जो है सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या कस्टम्स हैं, क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशन है. उसके साथ ही साथ क्या वैल्यू सोसाइटी फॉलो कर रही है, उन सब के बारे में चाइल्ड को नॉलेज होनी चाहिए. फिर चिल्ड्रन आर नॉट अ पैसिव लिसनर, क्योंकि एकदम एक्टिवली जो है एंगेज हो एक्टिविटीज़ में और वो पैसिव लिसनर ना बने. फिर एजुकेटर्स मस्ट एक्सप्लॉइट द एक्टिविटीज़ ऑफ चिल्ड्रन फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. यानी ये कह रहा है कि जो एजुकेटर्स हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस के लिए बच्चे जो एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं. फिर अनलाइक द प्रीवियस कंसेप्शन ऑफ एजुकेशन एज अ बाइपोलर प्रोसेस, जैसा आप जानते होंगे कि बाइपोलर प्रोसेस जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन एडम्स जी ने दिया था, तो ये जो प्रैग्मेटिक फिलॉसफी आई इसने कहा कि एजुकेशन इज नॉट अ बाइपोलर प्रोसेस बट इट इज अ ट्राईपोलर प्रोसेस. ठीक है, बाइपोलर प्रोसेस में टीचर और लर्नर ही सेंटर माने जाते थे, लेकिन इसने कहा कि टीचर, लर्नर और एक जो सोसाइटी है वो तीन पोल्स लेकर के एजुकेशन सिस्टम चलता है. तो यहाँ पर यही लिखा हुआ. फिर यहाँ पर स्कूल के बारे में जो बताया गया है कि स्कूल कैसा है, तो आपने डीवी जी का एक बहुत फेमस कोट सुना भी होगा कि स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी. ठीक है, ये जॉन डीवी जी ने ही कहा था. तो इन्होंने यही कहा है कि प्रोग्रेसिव स्कूल क्लासरूम इज वन इन विच स्टूडेंट्स अस्यूम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव फॉर देयर ओन लर्निंग. ठीक है, जो प्रोग्रेसिव स्कूल क्लासरूम्स हैं वहाँ पर चाइल्ड को बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए और चाइल्ड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे, उसके साथ ही साथ अपनी लर्निंग के लिए इनिशिएटिव्स ले करके आए. ये फिर दे आर एक्टिवली इंगेज्ड इन लर्निंग एक्टिविटीज़ सच एज कंडक्टिंग देयर ओन साइंस एक्सपेरिमेंट्स. यानी ये कहते हैं कि वो चाइल्ड एक्टिवली इंगेज हो पाए लर्निंग में, ऐसा स्कूल होना चाहिए, ऐसा क्लासरूम होना चाहिए उस स्कूल का कि जहाँ पर बच्चा जो है एक्टिवली इंगेज हो पाए अपनी चीज़ों से. फिर इंस्ट्रक्शन इज इंडिविजुअलाइज टू अकोमोडेट देयर डिफरेंट इंटरेस्ट नीड्स एंड लर्निंग रेट्स. क्योंकि अभी आपने देखा कि ये ग्रेडेड करिकुलम की बात करता है, तो ग्रेडेड करिकुलम यानी हर एक बच्चे के अपने अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट हैं, स्पेसिफिक नीड्स हैं. तो ये उसकी बात करता है कि जो इंस्ट्रक्शन है वो हमेशा इंडिविजुअल स्पेसिफिक होने चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा एक इंडिविजुअल नीड्स, इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों के साथ वहाँ पर बैठा हुआ है. तो हमेशा ये चीज़ टीचर को समझनी चाहिए. फिर सोशलाइजेशन एक्टिविटीज सच एज डिस्कशन, ड्रामेटिक्स, म्यूजिक एंड अदर ग्रुप एक्टिविटीज आर एम्फसाइज. यहाँ पर कहा गया है कि जो है ये जितने भी एक्टिविटीज हैं जो सोशलाइजेशन को फोकस कर रही हैं, जैसे ड्रामेटिक्स है या फिर आपका डिस्कशंस है, म्यूजिक है, ये सब को ये फोकस करता है. फंडामेंटल स्किल्स आर टॉट मोर थ्रू द डिस्कवरी मेथड. यानी जो भी फंडामेंटल स्किल्स हैं उसको हम डिस्कवरी मेथड के थ्रू ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं. अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, ये बता दिया आपको कि स्कूल इज द एम्ब्रियो ऑफ कम्युनिटी, ये भी उन्हीं का कोट है. फिर स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कल्चर. उन्होंने कहा
कि स्कूल जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू ट्रांसमिशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर हो सकता है। अब इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मेरिट्स जो है यहाँ पर कि इम्पोर्टेंस देता है ये चाइल्ड को, ठीक है, चाइल्ड के इंटरेस्ट, उसके जितने भी साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर ये फोकस करता है। फिर उसके बाद में एम्फेसिस है एक्टिविटी पर, यानी वो बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और अपनी चीज़ों को खुद सॉर्ट आउट करे। फिर फेथ इन अप्लाइड लाइफ, इन्फ्यूजन ऑफ न्यू लाइफ इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन सिस्टम में इसने बिल्कुल एक नई जान फूंकी, ठीक है। फिर सोशल और डेमोक्रेटिक एजुकेशन की ये बात करता है, प्रोग्रेसिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड की बात करता है, यानी जो भी बच्चा है, क्योंकि हर व्यक्ति जो शिक्षा ले रहा है वो कहीं ना कहीं इसीलिए ले रहा है कि उसका एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, यानी इसकी एक ये भी मेरिट है कि इसने प्रोजेक्ट मेथड को डेवलप किया। फिर डीमेरिट्स जो है इसकी कि कोई भी प्री डिटरमाइंड एम्स नहीं है एजुकेशन के, ठीक है, ये इसकी बात करता है। फिर आपका ऑपोजिशन ऑफ प्री डिटरमाइंड आइडियल्स एंड वैल्यूज, जितने भी प्री डिटरमाइंड आइडियल्स हैं या वैल्यू सिस्टम है उन सब चीज़ों का ये ऑपोजिशन करता है। आइडियल ट्रुथ की बात को ये नकारता है, ये भी एक इसकी डीमेरिट है। फिर स्पिरिचुअल वैल्यूज को निगेट करता है, ये नेगोशिएट करता है। फिर कंडेमनेशन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, डिफिकल्टी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम, यानी इसके हिसाब से जो करिकुलम डेवलप किया जाएगा उसको डेवलप करने में कितनी कठिनाइयाँ आएंगी, ये भी एक डीमेरिट है इसकी। इसने कहा, इसका एक कंक्लूजन देख लीजिए आप, कि इट कीप्स द चिल्ड्रन क्लोज टू देयर एक्सपीरियंसेस, ठीक है, ये बच्चों को उनके एक्सपीरियंसेस के साथ जो है क्लोजली बाइंड करके रखता है और कहता है कि इट हैज़ प्रमोटेड द वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इन एजुकेशनल प्रोसेस, ठीक है, जो एजुकेशनल प्रोसेस में जो एक्सपेरिमेंटेशन को बढ़ावा दिया है इसने। द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म टू एजुकेशनल प्रैक्टिस, यानी एजुकेशनल प्रैक्टिस में जो हम प्रोजेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं वो इसका बहुत बड़ा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है आपकी एजुकेशनल फील्ड में। इसका जो एजुकेशन में जो कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन की जो मैं पहले बात कर रही थी, तो इसका एक डेमोक्रेटिक आउटलुक, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को जो है फोकस करता है, यानी यूटिलिटी बेस्ड चीज़ों को अपनी एजुकेशन सिस्टम में जो है लाने की बात करता है, ठीक है, यानी वोकेशन सेंट्रिक और रोजगार परक शिक्षा की बात करता है ये, कि ऐसे शिक्षा हो जो हमें रोजगार दे सके, ठीक है, जो यूटिलिटी हो, जिसकी कोई यूटिलिटी हो, ऐसे शिक्षा हमें मिलनी चाहिए। जो है हेल्प टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ टूडेज लाइफ, ठीक है, आज के जीवन की जो वैल्यूज हैं उनको रियलाइजेशन की बात ये करता है। सोशल एफिशिएंसी की बात ये करता है। सेव चिल्ड्रन फ्रॉम द बर्डन ऑफ एजुकेशन विच इज़ टू मच सेंटर्ड ऑन द बुक्स, ठीक है, तो ये बुकिश लर्निंग को जो है बिल्कुल नेगोशिएट करता है और कहता है कि जो चाइल्ड के ऊपर जो बर्डन था उसको ये ख़त्म करने की बात करता है, ठीक। तो इस तरीके से हमने जो है आपका प्रैग्मेटिज्म आज कंप्लीट किया है। आप देख भी सकते होंगे कि कैसे कैसे इस फिलॉसफी ने जो है पिछली दोनों फिलॉसफी की जगह एक संशोधित रूप में अपना प्रचार प्रसार किया। तो आप धन्यवाद, और जो है आप अपने कमेंट्स के थ्रू या आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको कमेंट्स के थ्रू उस तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।